नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की खास खबरों पर। हिमाचल में प्रवेश के लिए फिर से ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य, सरकार ने जारी किया आदेश। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने हिमाचल में प्रवेश के लिए कोविड वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र या नेगेटिव रिपोर्ट के अलावा अब फिर से ऑनलाइन पंजीकरण करवाने की शर्त लगा दी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की ओर से बुधवार को जारी आदेशों के अनुसार प्रदेश में होने वाली सभी तरह की अंतर्राज्यीय आवाजाही की निगरानी सरकार के कोविड ई पास पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से की जाएगी। हालांकि माल वाहनों की आवाजाही पर शर्त लागू नहीं होगी। हर रोज या वीकेंड पर आवाजाही करने वालों जैसे उद्योगपतियों, व्यापारी आपूर्तिकर्ता, उद्योगों के कामगार, परियोजना प्रस्तावकों, सेवा प्रदाताओं, सरकारी कर्मचारियों, मरीजों आदि के लिए कोविड वैक्सीन के दोनों डोज के प्रमाण पत्र या RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की शर्त में छूट रहेगी, बशर्ते उन्हें 72 घंटों के भीतर लौटना होगा। राज्य से बाहर गए हैं तो भी 72 घंटों के भीतर लौटना होगा। वहीं अभिभावकों के साथ आने वाले 18 से कम आयु के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज के प्रमाण पत्र या RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि हिमाचल में प्रवेश के लिए पहले ही कोविड वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र या RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। कोरोना पर होगा मंथन, इन फैसलों पर लग सकती है मोहर। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक 24 अगस्त को हो सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक में कई फैसले संभावित हैं। बैठक में कोरोना वायरस पर मंत्रणा होगी। बैठक में संक्रमण से निपटने को लक्षित कर कई फैसले हो सकते हैं। प्रदेश में 22 अगस्त तक स्कूल बंद हैं, इन 31 अगस्त तक बंद हो सकते हैं। 1 सितंबर से कॉलेजेस में नियमित कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया। हिमाचल में महंगा हुआ घरेलू LPG सिलेंडर, जाने नए दाम। हिमाचल प्रदेश में घरेलू LPG सिलेंडर 25 रुपए महंगा हो गया। गैस कंपनीज ने बुधवार सुबह दामों में बढ़ोतरी की। इस माह घरेलू उपभोक्ताओं को 956.50 रुपए चुकाने होंगे। इसमें वितरण शुल्क के 52.50 रुपए शामिल हैं। 31 रुपए की सब्सिडी बैंक खाते में वापस मिलेगी। हिमाचल के कॉलेजेस में 1 सितंबर से नियमित कक्षाएं शुरू करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजेस में 1 सितंबर से नियमित कक्षाएं शुरू करने की तैयारी है। राज्य सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट से मंजूरी लेने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कॉलेजेस में 18 वर्ष से अधिक के विद्यार्थी होते हैं, ऐसे में कॉलेजेस में नियमित कक्षाएं खोलने का विचार है। हिमाचल में नौकरी की है तलाश तो हो जाएं तैयार, 100 से ज्यादा भरे जाएंगे पद। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड धर्मशाला में डेवलपमेंट मैनेजर के 5 पद व लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर के 100 पद अधिसूचित किए गए। डेवलपमेंट मैनेजर के पद के लिए स्नातक या इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले 26 से 45 वर्ष के महिला व पुरुष जिन्हें 2 से 3 वर्ष का इंश्योरेंस और सेल्स मार्केटिंग का अनुभव हो आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को 22,000 से 45,000 रुपए प्रतिमाह का वेतन दिया जाएगा। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज दिन के कुछ खास समाचार, उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे।